हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगी कि अगर आप ब्यूटी पार्लर खोलते हैं तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स अपने पार्लर में रखने चाहिए। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है ये वीडियो, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और जो लोग वैसे भी ब्यूटी पार्लर इन फ्यूचर भी खोलना चाह रहे हैं वो लोग भी ज़रूर वॉच करें ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको 40 नंबर थ्रेड चाहिए। थ्रेडिंग की थ्रेड जो होती है वो 40 नंबर की होती है, वो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। उसके बाद एक ट्वीज़र प्लकर चाहिए, वो भी थ्रेडिंग में काम आता है। एस्ट्रिंजेंट चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे कि बोरोलिन होती है, बोरो प्लस होती हैं, वो आप लोगों को रख लेनी चाहिए। उसके बाद रोज़ वाटर जो कि फेशियल्स में हम यूज़ करते हैं, वैसे भी सीटीएम में भी हम यूज़ करते हैं, तो रोज़ वाटर आप रखें। मॉइस्चराइजर्स रखें, ये मैंने तीन लिखे हैं, नीविया, वीएलसीसी और डेवो हर्ब्स के, आप कोई भी रख सकते हैं, एटलीस्ट एक तो ज़रूर रखें आप मॉइस्चराइज़र। क्लेंज़र रखें, क्लेंजिंग मिल्क रखें, टोनर रखें, मैनिक्योर किट, पेडिक्योर किट रखें। इनके क्रीम्स अलग से आजकल रेडीमेड अवेलेबल होती हैं, आप वो रख सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वाले वीडियो में आपको बताई हुई हैं, क्या क्या आप टूल्स और इक्विपमेंट्स रखें। इसके बाद फ्रेंड्स, आप फेशियल किट्स रखें, कम से कम दो तो आप ज़रूर रखें शुरू में। और उसके बाद ब्लीच पाउडर रखें, जो कि पिंपल स्किन पे हम जब हम ब्लीच करते हैं वो ब्लीच पाउडर से करते हैं, वो डब्बी आती है। ब्लीच क्रीम रखें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया, ये सब ब्लीचिंग में इस्तेमाल होता है, मैनिक्योर पेडिक्योर में भी होता है। गौस पट्टी रखें, फेशियल्स में इसका इस्तेमाल होता है। कॉटन का रखें रोल आप, कम से कम एक एक तो हर चीज़ ही आप रखें। टिश्यू रोल्स, एलोवेरा जेल, स्क्रब्स का डब्बा रखें, एक डब्बी आप ज़रूर रखें शुरू में, बाद में आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स की। मसाज क्रीम, मॉइस्चराइज़र, सैनिटाइज़र, डेटॉल, हेयर स्पा क्रीम, हेयर मूस, ये स्टाइलिंग में काम आता है मूस, हेयर ऑयल्स आप रखें दो से तीन अलग अलग। उसके बाद हेयर शैम्पूज़ और कंडीशनर्स रखें। फ्रेंड्स, इस का आप स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा दूँगी, आप सेव कर सकते हैं या आप साथ साथ इनको नोट भी कर लें। अगर आप पार्लर खोलना चाहते हैं या आप नॉलेज रखना चाहते हैं इसकी, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए फ्रेंड्स ब्लॉन्डर पाउडर, जो कि हेयर ब्लीच में हम यूज़ करते हैं। डेवलपर्स रखने चाहिए आपको 20, 30, 40, छोटी पैकिंग आप रख लें। कलर ट्यूब्स रखें, हेयर कलर ट्यूब्स जो होती हैं। रीबॉन्डिंग किट आप रखें, हेयर सीरम्स रखें, कम से कम एक तो आप ज़रूर रखें शुरू में, बाद में इसके अलावा आप हेयर सेटिंग स्प्रे भी रखें, सेटिंग करते हैं जब हेयर स्टाइल तब यूज़ करते हैं हम। रबर बैंड्स, फैंसी बैंड्स, हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे, मेकअप किट्स आप रखें, कलर करेक्टिंग किट मेकअप किट के अंदर ही आ जाती है वो आप रखें, फाउंडेशन बेस फैन स्टिक रखें, ये सब मेकअप किट में वैसे आ जाता है। टैल्कम पाउडर, कम्पैक्ट पाउडर और आई मेकअप किट रखें, इसमें काजल, मस्कारा, आई शैडो, काज सब कुछ होता है इन्वॉल्व, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर रखें। ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, जब भी आप पार्लर खोलें आपको ज़रूर रखने चाहिए ये। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। अगर फिर भी कोई डाउट है आप नीचे मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों को नहीं भी पता उन लोगों को भी पता चल जाए इन चीज़ों का, क्योंकि ये चीज़ें आपको आसानी से कोई नहीं बताएगा कि आप ये चीज़ें आप करें, आप खरीदें मतलब। तो आपको इस वीडियो में मैंने इन शॉर्ट सारा कुछ बता दिया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, इसको लाइक करें, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जैसे कि मैंने बताया, जिन लोगों को नहीं नॉलेज है, जिनको नहीं समझ आ रहा है कैसे करें पार्लर का काम, क्या रखें क्या नहीं रखें, क्योंकि आजकल घर में भी सबने पार्लर खोले ही होते हैं जो लोग पार्लर का काम करते हैं। शुरू शुरू में मैंने भी घर में ही थोड़ा बहुत किया था, खैर अब तो मैं नहीं करती ये काम, थोड़ा बहुत मैंने शुरू शुरू में किया था जब मैं प्रैक्टिस करती थी। तो इस करके आप चाहें तो इसको घर में भी आप एक जैसे रूम में आप कर सकते हैं इस काम स्टार्ट। ज़रूरी नहीं कि बड़ा सा आपको हॉल ही चाहिए या कोई बड़ी सी दुकान चाहिए या कुछ इस तरीके से। तो आप ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ों से आपको काम करना चाहिए। और ये चीज़ें जैसे कि मैंने बताया, आप ये शेयर करें ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता लगे। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।